कौन सी बात है मैं बताती हूँ। उसने क्या बोला कि हम तीनों ने आपस में बैठ के बात की कि हम कमेंट्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कल शायद आप ही की बहन पुत्तन बोल चुकी थी, कमेंट्स पे ही वो रिप्लाई दे रही थी, क्या वो आपके रिलेटिव्स थे? बाद में उसने कमेंट टर्न ऑफ कर लिए। ठीक है, आपने कहा कमेंट के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो फिर कमेंट टर्न ऑफ क्यों कर लेते हो? आप लोगों से सजेशन मांगते हो उसके बाद कमेंट टर्न ऑफ कर लेते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? ठीक है, ऐसा मत करा करो ना, फिर कमेंट्स पे तो ध्यान ही नहीं देना, तो कमेंट्स हम लोगों के लिए छोड़ दिया करो, हम पढ़ लिया करेंगे कमेंट्स। ठीक है, कह रही देखो देखो मुझे नेगेटिव कमेंट आते थे, अब तो इसको भी आने लगे, अरे कितने मज़े आ गए दोनों को, अब दोनों कह नहीं सकती एक दूसरे को भी तेरे को आए नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं आए। बिल्कुल उसको नहीं आ रहे थे नेगेटिव कमेंट, पुत्तन को काफ़ी अच्छा चल रहा था उसका, वीडियो अपलोड करते ही 5-6 घंटे में 1 लाख से ऊपर उसको व्यूज भी आ रहे थे, वो हजम तुम्हें नहीं हुआ। तो जो लाइव करके ऐसा वाला कीचड़ तुमने उड़ाया था ना, तो अभी तक वो नन्नू जो है ना अभी तक मुंह पहुंच रहे हैं वो अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड, मस्त ही रहना। लेकिन सबसे पहले आज वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने नए चैनल पर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ। उसमें मैंने खुद का कुछ नहीं बोला हुआ, लेकिन उस वीडियो को लेके मैंने अभी बहुत बातें ना क्लियर करनी थी, लेकिन लोगों ने उसमें बिना देखे बिना सोचे बिना समझे कि ये चैनल किसका है कमेंट करने शुरू कर दिए। किसने? वहाँ उसी की वीडियो की ओनर ने। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसने जो अपना काम करना था कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था चैनल का अगर थोड़ा सा नाम रीड कर लेती ना, मेरे को देख लेती उसमें पिक में, तो शायद वो ये कमेंट कभी ना करती। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में जो एक वर्ड यूज़ किया है ना, उसको मैं बोल दूं कि मैं वो वाला वर्ड जो है ना मैं अपने टाइटल में बहुतों बार यूज़ करती हूँ, लेकिन एक्चुअली में सच में वो लोग बेशरम ही होते हैं। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गाना चाहती हूँ, थोड़ा सा गाऊंगी, बिल्कुल 2 लाइनें। ठीक है, तो पेश है आप लोगों के सामने ये थोड़ा सा गाना। जी जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है अंदर क्या है, हाँ जी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है ये जो पब्लिक है। जी जो पब्लिक है ना ये सब कुछ जानती है, और उस पब्लिक का हिस्सा मैं भी हूँ। ठीक है, और मुझे भी काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पता है। ऐसा हमारी वीडियो जैसे कि डेली आपको पता है ना किन पर आ रही है, उनकी भी बात करेंगे पहले, लेकिन आज बात करेंगे जिन्होंने इनको नाम दिया है साइक्लोन की दुनिया। और मैंने तो खैर वो नाम नहीं दिया, मैं तो इसी का डायरेक्ट नाम लेती थी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ मैं इसका नाम वो ना लेके सिर्फ दुनिया बुलाऊँ, क्योंकि दुनिया पब्लिक जो है ना इन्होंने नाम रखा दुनिया, तो वही पब्लिक है ना, तो पब्लिक सब जानती है, तो ये लेकिन दुनिया कुछ नहीं जानती। ठीक है, क्योंकि इसकी आदत जो हमेशा से है ना बिना देखे कमेंट करने की, फिर बाद में सॉरी बोलने की। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया के बारे में सब जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा जानते हैं ना। अरे जिसकी फैमिली का पूरी फैमिली ने यूट्यूब पे कब्जा कर लिया है, वो भी इसलिए कि यूट्यूब इन लोगों को कुछ नहीं देता। मैं आज जो है थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ बताऊँगी, लेकिन जो क्लियर बताऊँगी ना वो बताऊँगी मैं अपने न्यूज़ चैनल पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया के स्पोर्ट में मेरे इस चैनल पर आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ इसके स्पोर्ट में ही वीडियो आई हैं, लेकिन एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने वहाँ पे शेयर की, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए एक शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद मैं ऐसे रूबरू होंगी आप लोगों के सामने, और जल्दी से मैं मतलब कि इसकी बातें कुछ जो ऐसी हैं कि लोग इसको क्यों गलत बोल रहे हैं, तो मैं वो चीज़ें भी क्लियर करूँगी, क्योंकि देखिए कन्फ्यूज़न में इसने खुद ही डाला था। ठीक है ना, ऐसा ही काम वो हमारी हिमाचल की, अब सबने बोला कि आपने पहाड़ों की रानी नहीं बोलना, पर पता नहीं क्यों मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने बोला झूठों की रानी बोलिए आप, चलिए तो आज से उसका नाम भी चेंज है, झूठों की रानी है। ठीक है, तो चलिए दुनिया को करते हैं साइड,
और जूठों की रानी को लेके आते हैं। तो जी आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने बहुत सारा कमेंट सेक्शन में बताया सबको कि आज यही वाला गाना हिट होगा, आज यही वाली बात होगी। तो ऐसा ना, कमेंट्स में मैं बहुत सारी बातें कर जाती हूँ, बाद में मैं फिर खुद ही भूल जाती हूँ। लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा गाना ना पहले ही गाना चाहती हूँ। वो कौन सा गाना है, कौन सा गाना है वो जूठों की रानी पर? अभी देखिए, मैनेज कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही मुंह में चढ़ेगा ना जूठों की रानी। अभी तो फिर मुंह से वो ही निकलता है कि पहाड़ों की रानी। ठीक है, तो चलिए पहले गाना सुन लो मेरा आप। तो ये जो इमोशनल अत्याचार दुनिया करती है, और साथ में इमोशनल अत्याचार ये अपनी पहाड़ों की रानी करती है, तो इन दोनों के लिए एक गाना ये है। तोबा तेरा जलवा, तोबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेम्बर है, उन्होंने ये वाला गाना मेरे साथ शेयर किया था। तो मैंने कहा था मैं अपने वीडियो में जरूर बोलूँगी, तो आज मैंने अपने ना माइंड में रखा। मेरा माइंड जो है ना, कंप्यूटर का माइंड है। ये चीज़ मैं सबको बता दूँ, मैं लिख लुख के कोई काम नहीं करती। मैं बस जो क्वेश्चन आते थे ना वो लिख लेती थी, कि नाम जो है वो शायद मेरे दिमाग से कई बार स्किप कर जाते हैं, लेकिन बातें बिल्कुल नहीं करती। एक बार वीडियो देख ली सो देख ली, तो फिर उसके बाद ऐसे जैसे आप लोगों के सामने रूबरू हूँ, बस ऐसे ही मैं बात करती हूँ। तो चलिए जल्दी से बता दें आपको, पहाड़ों की रानी मुझे आज की वीडियो में आपकी, मैंने देखिए कल अपनी वीडियो में क्या बोला था, कमेंट के बारे में करी थी ना मैंने बातें, और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, उन्होंने आज वही वाले क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए अपने वीडियो में। ठीक है, तो उस जो वीडियो में उन्होंने जो रिप्लाई दिए, वो मुझे कहीं ना कहीं और कहाँ कहाँ मुझे गलती लगी, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आप देखिए गलती कहाँ की। इन्होंने बोला कि एडिटिंग हम लोग करते हैं, आपको वही दिखाते हैं वीडियोस में जो कि हम लोगों को दिखाना होता है, और उसके बाद हम उसको एडिट करते हैं। लेकिन आपको जो दिखाना होता है ना, जो समझाना होता है, वो चीज़ें मैं एडिट नहीं करती हूँ। तो वो जो कीचड़ वाली बात है, मतलब वो सच्ची में वो दिखाना चाह रही थी। रुकिए, एक चीज़ और भी है। तो ये जो आने जाने का इन्होंने सफ़र किया है, वहाँ से ये सीधा CHD जा रही थी, तो रास्ते में ये पहले इधर घर में क्यों आ गई? तो सच्ची में पुत्तन साथ में थी इनके? जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इन दोनों ने बोला कि हम दोनों अकेली गई थी CHD, बोला था कि नहीं बोला? बोला। लेकिन वापसी में इनके साथ कौन था? बत्ती, देखा ना, हेडलाइट डाल रहा था वो, एक कोई जानवर ऐसे दिखा रहा था, सेंट जिसको बोलते हैं वो दिखा रहा था, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर ये बोल दें कि वो हमें बस अड्डे से लेने गया था, हम तो बस से गई थी, तो मैं आपको बताऊँ, जब ये शॉपिंग कर रही थी, पिछली सीट पर कारी थी ना, वो लेके बैठी थी टिंकू को, है ना, आया कुछ जान? जी हाँ, ये अकेली नहीं थी, इनके साथ बत्ती भी था। तो ये डायरेक्ट जो मैं बताऊं, तो डायरेक्ट मैं जो बताऊं, जहाँ ये घूमने गई थी, जहाँ पे ये होटल के प्रोडक्ट ऐसे दिखा दिखा के रिव्यू कर रही थी, वहाँ से सीधा इनको CHD आना था, ऐसा ही बोला था ना इन्होंने, ऐसा ही बोला था ना? जी हाँ, ऐसा ही बोला था। तो ये सारी फैमिली इकट्ठी थी, ये साथ ही में थी, बहुत घुमक्कड़ हैं, बहुत घूमी घूमी कर ली इन लोगों ने। और जो बातें इन्होंने सच्ची बोली हैं कि एडिटिंग करके दिखाना चाहती हैं, तो वो दिखा दिया। लेकिन दीदू, जहाँ पे तुमने थोड़ा गलत कर दिया कि यूट्यूब ही तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, तो मैं बताऊँ, यूट्यूब ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अगर मुझे छोटे मोटे से व्यूज़ आते हैं, आप सबको पता है ना मुझे कितने व्यूज़ आते हैं, मुझे उतने व्यूज़ आते हैं जितने मेरे फैमिली मेम्बर हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना तो रोटी हजम होती है, ना मेरी बात हजम होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे यार, ये डिंपल का मुंह बंद कराओ, ये तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में लगी है। मुझे बताओ आप, सब्सक्राइबर बढ़ा के मैं क्या करूंगी? चलिए 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए मेरे, लेकिन व्यूज मुझे 35,000 आएंगे, मुझे क्या फायदा उस चीज का? बताओ बताओ, और दुनिया को भी सब लोग ऐसे बोल रहे हो। अरे अरे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, गाहे बगाहे आप लोग मेरा ही चैनल खुद से प्रमोट कर देते हो दूसरे के यहाँ कमेंट सेक्शन में, मेरे चैनल का नाम लिख के। ओके, मेरे चैनल का भी लिख देते हो, अगर मेरा भी लिख दोगे तो भी, क्योंकि ये डिंपल आंटी, ये डिंपल दीदी जो है, इसको अब किसी की पहचान की जरूरत नहीं है मेरे नाम को, मेरे चैनल को,
ओके, ये चैनल मेरा खुद का ग्रो किया हुआ है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई हैं, ठीक है। और जो नए उगते कलाकार हैं, जैसा कि दुनिया, जैसा कि आरती जिंदगी मिलेगी दोबारा, जैसा कि और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरा चैनल प्रमोट करें, कभी नहीं बोला। इवन इस दुनिया की तो चलो मैं बातें वहाँ अपने नए चैनल पर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, मैं ये बताना चाह रही थी कि इनके इतने सब्सक्राइबर हैं, तो इन्होंने एक चीज़ बोली है, किसने, पहाड़ों की रानी यार, तो इसने एक चीज़ बोली है, झूठों की रानी ने एक चीज़ बोली है कि आप हम लोगों में कुछ ना कुछ तो बात है। आज इसने बिल्कुल ऐसे ही वे ऑफ टॉकिंग रखी, रिएक्शन वाली, जैसे कि अभी इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ कि मेरे में कुछ ना कुछ हम दोनों में ऐसी बात है, हम यूट्यूबर्स में, कि तभी तो 2-3 साल से हम लोगों पर वीडियोस बन रही हैं। तो मैंने कहा कि रुको, रोको रोको इनको, नहीं मैं पिछले 3-4 महीने से बना रही हूँ, 3 महीने से तुम्हारे पे वीडियो, उससे पहले कभी कभी तुम लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए या कुछ अच्छी सजेशन देने के लिए या फिर तुम्हारे दुख में दुखी होने के लिए मेरी वीडियो आ जाती थी, बस इससे ज़्यादा नहीं टाइम था मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी में बहुत बिजी थी और मुझे लाइव करते हुए देखना लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं लाइव बहुत करती थी, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप कहते हो कि हम लोगों में कुछ बात है, लेकिन जो यूट्यूबर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, उनको दुनिया सुन रही है, उनको लोग सुन रहे हैं, उनको लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, तो उनमें भी तो कोई बात होगी ना, उन्होंने भी तो अपना चैनल ऐसे नहीं ना खोला। और तो आप लोगों के जैसे हमारे भी कुछ फैमिली मेंबर हैं, वो भी हम लोगों को इंस्टा पे फॉलो कर लेते हैं। अरे सुनो, आप लोगों ने जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से कर लेना, ठीक है। बहुत सारी बातें कर लेते हैं इंस्टा पे भी, तो मेरे कुछ फैमिली मेंबर है जो मुझे इंस्टा पे SS भी भेज देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कुछ SS आए हैं कि जो पुतन है, समझ रहे हो ना, कल इंस्टा पर उसने जो रिप्लाई दिए हैं, तो ये बड़े यूट्यूबर नहीं करते ऐसा, नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने अपनी बहन से कुछ सीखा ही नहीं। उसने आज ही बोला, मैं तो बहुत कूल हूँ, हम लोगों में बहुत पेशेंस है। और एक चीज़ और बोली है उसने, वो उसने झूठ बोली, उसने गलत बोली। वो कौन सी बात है मैं बताती हूँ, उसने क्या बोला कि हम तीनों ने आपस में बैठ के बात की कि हम कमेंट्स पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बोला कि नहीं बोला, बोला ना, देख लेना बाद में देखना, लेकिन मेरी वीडियो भी पूरी देख लो आप, ठीक है। तो उसने बोला कि हम तीनों भाई बहनों ने आपस में बात करी कि हम कमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करें, इग्नोर करेंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कल शायद आप ही की बहन पुत्तन भूल चुकी थी, कमेंट्स पे ही वो रिप्लाई दे रही थी, क्या वो आपके रिलेटिव्स थे? बाद में उसने कमेंट टर्न ऑफ कर लिया, ठीक है। आपने कहा कमेंट के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो फिर कमेंट टर्न ऑफ क्यों कर लेते हो? आप लोगों से सजेशन मांगते हो, उसके बाद कमेंट टर्न ऑफ कर लेते हो, ऐसा क्यों करते हो आप, ठीक है? ऐसा मत करा करो ना, फिर कमेंट्स पे तो ध्यान ही नहीं देना, तो कमेंट्स हम लोगों के लिए छोड़ दिया करो, हम पढ़ लिया करेंगे कमेंट्स, ठीक है। कह रही देखो देखो, मुझे नेगेटिव कमेंट आते थे, अब तो इसको भी आने लगे, अरे कितने मज़े आ गए दोनों को, अब दोनों कह नहीं सकती एक दूसरे को भी तेरे को आए नेगेटिव कमेंट, मुझे नहीं आए। बिल्कुल उसको नहीं आ रहे थे नेगेटिव कमेंट, पुत्तन को काफ़ी अच्छा चल रहा था उसका, वीडियो अपलोड करते ही 5-6 घंटे में 1 लाख से ऊपर उसको व्यूज भी आ रहे थे, वो हजम तुम्हें नहीं हुआ, उसके पॉजिटिव कमेंट हजम तुम्हें नहीं हुए, उसको घर में मिलता प्यार हजम तुम्हें नहीं हुआ, ठीक है, उसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हजम तुम्हें नहीं हुई। तो जो लाइव करके ऐसा वाला कीचड़ तुमने उड़ाया था ना, तो अभी तक वो नन्नू जो है ना, अभी तक मुंह पहुंच रहे हैं वो अपना। और कल मेरे को किसी ने SS सेंड किए हैं जो मैं शॉक्ड हूँ, क्या वो आप लोगों के रिलेटिव्स हैं जो ऐसी बातें घर के लिख के जाते हैं? मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे भी बहुत सारे SS आते हैं, मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो बातें क्लियर नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि देखिए, बात इतनी सी थी, एक बार की थी, और एक बार तो यार माफ़ी सब दे देते हैं, ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन उसका मौका दूसरी बार ना दो। लेकिन तुमने तो
ये पहाड़ों की रानी झूठी की बात कर रही हूं मैं? इसने तो हद कर दी थी, वीडियो बना के टोंट मार मार के लड़की को वापिस ही बुला के छोड़ा, और ऐसे इसने लाइव करी कि वो वापिस ना जा सके। ठीक है, तो कुछ तो बात है तुम में, हमने कब बोला नहीं है, कुछ तो बात है। और तुमने बोला कि वीडियो नहीं बना पाए, पर तुम्हारे तो डेली के कोई भी नागा नहीं होता, अटेंडेंस फुल रहती है तुम्हारी 100%। ठीक है, नहीं नागा होता तो हम लोगों के होता, देखिए फुर्सत ही नहीं मिलती हम लोगों को। और वीडियो बनाने, अभी वीडियो बना रही हूँ, उससे पहले मैंने मतलब कितना काम खत्म किया, तो तुम्हारा कोई नागा नहीं। कल भी तुम्हारी दो वीडियो आई थी, आज भी आ गई, आती रहेंगी ऐसे ही मस्ती वाली। अकेले घूमना बहुत पसंद है, घुमक्कड़। कितना कुछ था वहां दिखाने को, तुमने क्यों नहीं दिखाया? कितना, अरे चर्ची दिखा देती कुछ, और कितनी हिस्टोरिकल वहां पे प्लेस हैं वो दिखा देती, तुमने कुछ भी तो नहीं दिखाया। लेकिन सड़क पे बैठना नहीं भूली, और तुम्हारा साथ दिया तुम्हारी मी ने। तो मुझे ये बातें आप लोगों को क्लियर करनी थी कि अपनी ही गलतियां ये खुद से अपने ही मुंह से बता के गई हैं आज। तो जिन लोगों ने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोल रही हूँ क्योंकि लोगों का अब मुंह खुल चुका है, लोगों का मुंह अब खुल चुका है ये कहना कि ये अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। तो बिल्कुल मुझे अब सब्सक्राइबर चाहिए, उधर मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो जल्दी से उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहां पे वीडियो देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो आएगी और रेसिपी वाली वीडियो लगातार आएंगी उसके ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से जाएं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें। पता नहीं कब किसका शेयर इस वीडियो को वायरल कर देगा और आपकी इस दीदी की हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प मुझे कब कैसे होती है वो मैं आपको सितंबर में जरूर बताऊंगी, क्या यानी कि नेक्स्ट मंथ में। जब तक के लिए आप वेट करना और अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।